गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अपने प्यारे से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम आए थे अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, तो अभी हम वहाँ से निकल लिए हैं और अभी बच चुके हैं 9:30। तो चलते हैं और आपको आज एक मंदिर पर भी घुमाएँगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। हम आ चुके हैं रोड पर और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ रोड। अब यहाँ से करेंगे ऑटो का इंतज़ार और फिर चलेंगे औरैया, ठीक है। वहाँ से चलते फिर साईं मंदिर पर चलेंगे और वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे, घुमाएंगे। तो अभी ऑटो का इंतज़ार करो। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि हम आए हैं अभी साईं मंदिर पर। तो अभी हम आ चुके हैं साईं मंदिर और आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं ये बना है साईं मंदिर। ये देखिए अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे पूरा। और तब तक आप ये हमारे ऊपर की बिल्डिंग देखिए, ये भी अभी बन रही है। ये देखिए कितना ऊपर अभी बन चुका है और बनने वाला है। कैसे क्या सीन रहता है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही बब्बर है, मतलब कि जनरेटर चल रहे हैं। और ये देखिए कुछ साईं मंदिर का नज़ारा। तो अभी हम अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं होता है। और अभी हम यहाँ का प्रसाद भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ के प्रसाद की 40 रुपये की थाली है, तो उसको भी लेंगे और ग्रहण करेंगे। और मंदिर का सीन कुछ ये दिखता है, देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम भी थाली ट्राई करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाथ से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से अच्छे ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए अभी हम थाली ट्राई करते हैं और मंदिर को बिल्कुल सही तरीके से हम भी देखते हैं, भगवान के चरण छूते हैं और भी आप लोगों को भी दिखाएँगे। तो चलिए अगर आप लोगों को भी आना है तो ये कानपुर से इटावा हाईवे पर है, मेन हाईवे पर ही आपको राइट हैंड पर मिलेगा। तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। टिकट जिससे हमको प्रसाद मिलेगा 40 रुपए की है, आप लोग आ सकते हैं और खाना चाहो तो खा भी सकते हैं। तो अभी हम ले चल रहे हैं अपनी थाली। तो गाइस अभी हम अपनी थाली लेकर आ चुके हैं और थाली में 3 तरीके की सब्जी और चावल और रोटी और यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। और देखिए आप सभी लोग हमारे सामने कितने लोग खा रहे हैं और अब चल रहे हैं अपने घर। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा लगता है इधर से देखने में। और जब आप भी आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। और ये देखो अभी ये नया भी बन रहा है इधर ऊपर, तो आप चाहें तो आ सकते हैं। तो गाइस साईं मंदिर से निकल चुके हैं हम अपने घर के लिए। तो घर घर पर मतलब अभी घर पर नहीं आए हैं, गांव वाली रास्ता पे आ चुके हैं। तो घर पर चल के पहुँचते हैं। आ चुके हैं घर और अभी हम जा रहे हैं ओम के घर ओम को देखने, उसका कल एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी चलते हैं और फिर चलेंगे फाग में। इसको सारे गुब्बारे फुला लिए हैं। तो एक बाल्टी ये रखी है भरी, एक बाल्टी ये और एक बाल्टी ये रखी है भरी। तो अभी हमने इतने सारे गुब्बारे फुला लिए हैं और अब हम चल रहे हैं फाग में। आप चलते हैं, आज हमारे घर पर आएगी फाग, आने वाली है फाग। तो अब फाग के आनंद लेते हैं। सकल हवाई बहुत ख़राब हो चुकी है, चलो फाग देख रहे हैं। और जो रंग हम देखो कब बढ़िया आदमी के ऊपर डाल रही है, पूरा पक्को वालों रंग है। और आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म।